हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बांध रही है भाई के कलाई पर धागा, राखी बांध कर बहना, भाई से ले रही है वादा, भैया मेरे तुम राखी की लाज रखना, कभी इस प्यारी बहना को भूल न जाना। और भाई भी देता है बहन को वचन और देता है वादा, हर दुख तेरे हर लूँगा, ये मेरा है वादा, ये हमारा रिश्ता है, कोई शब्दों का खेल नहीं, साथ निभाऊंगा मैं तेरे हर सवेरे हर रात में। दोस्तों, भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास के प्रतीक का पर्व रक्षाबंधन 22 अगस्त को मनाया जा रहा है। और सामाजिक दृष्टि से देखिए या पारिवारिक एकबद्धता से, एक सूत्रता का सांस्कृतिक पर्व है। और देखा जाए तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य किसी प्रकार का किसी को बंधन अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब भाई बहन के बंधन की बात आती है तो ये प्यारे से बंधन को आगे बढ़कर भाई और बहन निभाते हैं। और भाई बहन के प्यार को पुनर्जीवित करने का त्यौहार है, बहुत ही शालीन और सात्विक पर्व है, सादगी से मनाया जाता है और उतना ही उत्सव का माहौल होता है, सदियों पुराना है और विलक्षण पर्व है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करके उसके हाथ में राखी बांधती है, उसके दीर्घ आयु की कामना करती है और बदले में भाई भी अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। रंग बिरंगे धागों में भाई बहन का प्यार, ये बंधन मजबूत होता है और सुख दुख में साथ रहने का विश्वास दिलाता है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की महापूर्णिमा के दिन ये त्यौहार मनाया जाता है और इस पर्व के बहुत सारे प्राचीन तथ्य भी हमें मिलते हैं। कहा जाता है कि इंद्र देवता की पत्नी इंद्राणी ने जब चारों तरफ से इंद्र हार गए थे तो उसे सिद्ध करके रक्षा सूत्र बांधा था, और वहीं पर माता लक्ष्मी ने अपने धर्म के भाई राजा बलि को भी विष्णु भगवान को बचाने के लिए ये धागा बांधा था। कभी द्रौपदी ने श्री कृष्ण को साड़ी का आंचल फाड़कर रक्षा सूत्र बांधा, तो कहीं माता कुंती ने अपने पौत्र अभिमन्यु को रक्षा सूत्र बांधा, और कलयुग में तो मुगल राजा हुमायूं को मेवाड़ की रानी कर्णावती ने राखी बांधी, और सभी ने अपनी कथित बहनों की लाज की रक्षा की, चाहे कृष्ण हो चाहे राजा हुमायूं हो। वामन अवतार नामक पौराणिक कथा में रक्षाबंधन का बहुत ही खूबसूरत प्रसंग मिलता है कि राजा बलि ने जब यज्ञ संपन्न कर स्वर्ग पर अधिकार का प्रयत्न किया तो देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी वामन ब्राह्मण बनकर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंचे और गुरु के मना करने पर भी बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी। वामन भगवान ने 3 पग में आकाश, पताल और धरती नाप कर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। उसने अपनी भक्ति के बल पर विष्णु जी से हर समय अपने सामने रहने का वचन ले लिया। और लक्ष्मी माँ जब इस बात से चिंतित हुई तो नारद जी के सलाह लक्ष्मी जी बलि के पास गई और रक्षा सूत्र बांधकर उसे अपना भाई बना लिया। बदले में वे विष्णु जी को अपने साथ लेकर आई। और उस दिन श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि थी, इसलिए बहुत ही खूबसूरत दिन है, बहुत ही खास दिन है श्रावणी पूर्णिमा। और कहा जाता है कि जब अलेक्जेंडर, आपने सुना होगा ना अलेक्जेंडर और पोरस की कथाएं, तो अलेक्जेंडर जब पंजाब के राजा पुरुषोत्तम से हार गया था तब अपने पति की रक्षा हेतु अलेक्जेंडर की पत्नी जो रुखसाना थी, उसने भी रक्षाबंधन के त्यौहार पर राजा पुरुषोत्तम को राखी बांधी थी। सिर्फ भाई बहन का नहीं बल्कि गुरु और शिष्य का भी त्यौहार ये माना जाता है। प्राचीन काल में जब स्नातक अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद गुरुकुल से विदा लेते थे तभी भी आचार्य अपने विद्यार्थी को इस कामना के साथ राखी बांधते थे कि उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो अपने भावी जीवन में उसका समुचित ढंग से प्रयोग करे। और आज भी आप देखते हैं पुरोहित जो होते हैं वो यजमान को रक्षा सूत्र बांधते हैं और यजमान पुरोहित को, दोनों एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करने के लिए एक दूसरे को अपने बंधन में बांधते हैं। देश में बहुत ही धूमधाम से, विश्व में इनफैक्ट देखा जाए तो मनाया जाता है, अद्भुत त्यौहार है। और इस दिन अगर नक्षत्रों और ग्रहों का शुभ संयोग मिल जाए तो और ज्यादा अद्भुत हो जाता है। खासकर इस बार 2021 में रक्षाबंधन के दिन ग्रहों और नक्षत्रों का ऐसा अद्भुत संयोग है जो कहा जाता है 474 सालों के बाद, यानी 474 सालों के बाद बन रहा है। एक तो इस दिन नक्षत्र जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र है, यानी कि धनदायी नक्षत्र है, साथ ही शोभन योग है जो कि महाशुभ योग है। पूर्णिमा तिथि का मान जो है शाम को 5:30 बजे से और धनिष्ठा नक्षत्र रात को 7:38 तक है। साथ ही भद्रा रहित काल है, तो अच्छे मुहूर्त और भद्रा रहित काल में भाई की कलाई में राखी बांधने से भाई को कार्य सिद्धि मिलती है, विजय की प्राप्ति होती है। इसलिए इस बार भद्रा काल का भय नहीं है जो कि बहुत ही परम कल्याणकारी है।
महासंयोग जो हो रहा है वो क्या हो रहा है ये बता देती हूँ। एक तो राजयोग भी आ रही है राखी, और चंद्रमा मंगल के नक्षत्र और कुंभ राशि में गोचर करेंगे, और गुरु कुंभ राशि में ही वक्री चाल में मौजूद है। तो गुरु और चंद्रमा की जो ये युति हो रही है, इससे रक्षाबंधन पर गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। और कहा जाता है गज केसरी निर्माण में कोई भी कार्य करते हैं तो इसमें विजय होने की संभावना ज़्यादा होती है, सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है, जो भी कार्य आप करते हैं इसमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। साथ ही अन्य ग्रहों का भी संयोग देखें तो सूर्य मंगल और बुध तीनों एक साथ सिंह राशि में हैं, और तीन ग्रहों का ऐसा अद्भुत संयोग 474 सालों के बाद बन रहा है, और 474 वर्षों के बाद रक्षाबंधन इस प्रकार से धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य मंगल और बुध सिंह राशि में होने पर मनाया जाएगा। इससे पहले कब हुआ था बताऊँ आपको, 11 अगस्त 1547 में ऐसा हुआ था, जो ग्रहों की ऐसी स्थिति बनी थी और रक्षाबंधन पर ऐसा लाभ कारी और सुख प्रदान करने वाला योग बहुत ही मुश्किल होता है। इसके अलावा राजयोग बना है तो खरीदारी भी कीजिए, बहुत फायदेमंद है, और ये योग सभी के लिए भाग्यशाली है, खासकर तीन राशियों के लिए, विशेष रूप से कर्क धनु और मीन के लिए, और भाई बहन दोनों को धन संपत्ति मकान वाहन सुखों की प्राप्ति होगी और राजसी सुख और मान सम्मान में वृद्धि होगी। कुछ लोगों को उलझन है तिथि को लेकर के, क्योंकि इस साल सावन पूर्णिमा दो दिन है, 21 तारीख को प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है और शाम में 7:01 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है, पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है। इसलिए जो भी सावन पूर्णिमा पर किए जाने वाले काम हैं, वो जैसे श्री सत्यनारायण व्रत कथा आदि, वो सभी आपको 21 अगस्त को जो भी पूजा पाठ, चंद्रमा की पूजा, मंत्र जप आदि करने हैं वो 21 अगस्त को आप कर लीजिए, क्योंकि इस दिन प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि रहेगी, जबकि 22 अगस्त को प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि नहीं है। इसलिए आपको सावन पूर्णिमा से संबंधित जो भी कार्य करना है, पितृ कार्य, ऋषि कार्य आदि, वो सभी 21 अगस्त को कर ले, स्नान दान आदि, और 22 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। 22 अगस्त को सुबह से ही पूर्णिमा तिथि होने से उदया तिथि के नियम के अनुसार 22 अगस्त को ही पूर्णिमा तिथि का मान होगा और रक्षाबंधन का त्यौहार शास्त्र सम्मत होगा। तो आपको मैं लिस्ट दे देती हूँ कि कब कौन कौन से मुहूर्त हैं। तो दोपहर का समय 1:44 से 4:23 तक, प्रदोष काल रात को 8:08 से लेकर 10:18 तक, अभिजीत मुहूर्त है 12:04 से लेकर 12:58 तक, आप लिस्ट देख लीजिए, और बेस्ट टाइम है 1:42 से दोपहर को 4:18 तक, ये सबसे शुभ टाइम है। जो लोग भी राशि अनुसार जानना चाहते हैं कि कौन से भाई को राखी बांधनी है, तो आपको बता दूं जो भी मेष राशि वाले हैं, मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह है, इसलिए इस राशि के जातकों को लाल रंग की राखी बांधना चाहिए, ऐसा करने से जीवन में ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि होगी। जो भी वृषभ राशि वाले हैं, उनका स्वामी ग्रह शुक्र है, इसलिए आपको नीले रंग की राखी बांधनी चाहिए, शुक्र के प्रभाव से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। जो मिथुन राशि वाले हैं, उनके स्वामी बुध ग्रह हैं, इसलिए हरे रंग की राखी बांधना शुभ है, यह आपके जीवन में उन्नति और दीर्घ आयु की प्राप्ति कराएगा, आपके भाई के जीवन में उन्नति और दीर्घ आयु की प्राप्ति कराएगा। जो कर्क राशि वाले, कर्क राशि वालों के लिए तो अद्भुत योग है, धन लाभ होने के योग बन रहे हैं, बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय करेगा, परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा, धनदायी नक्षत्र है तो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ रहेगा। आपकी राशि के स्वामी चंद्र देव हैं, इसलिए आपको पीला, सफेद या चांदी के रंग की राखी बांधनी चाहिए, ऐसा करने से आपके भाई के जीवन में समृद्धि और खुशहाली आएगी। जो भी सिंह राशि हैं, आपके राशि स्वामी सूर्य हैं, तो लाल पीले रंग की राखी बांधें। जो कन्या राशि वाले हैं, आपका स्वामी भी बुध ग्रह है, तो आपको हरे रंग की राखी बांधनी चाहिए, और तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, तो आपको नीले या सफेद रंग की राखी बांधनी चाहिए। जो वृश्चिक राशि वाले हैं, आपको लाल, गुलाबी, सिंदूरी रंग की राखी बांधना सौभाग्यकारी होता है, और सेकंड राशि जो अति शुभ है जिसके लिए ये समय, वो है धनु राशि, आपको धन लाभ होगा, कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे, मान सम्मान पर प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और जो लोग भी एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति ग्रह हैं, आपको सुनहरे पीले रंग या केसरिया रंग की राखी बांधनी चाहिए।
जो भी मकर राशि के लोग हैं, आपके स्वामी राशि स्वामी शनि देव हैं और आपको गहरे नीले रंग की राखी या ब्लैक कलर की राखी बांधना शुभ होगा। तो ब्लैक काफ़ी लोग प्रेफर नहीं करते हैं, स्टोन्स आप ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, बाकी काली राखी ना बांधें। नीले रंग की राखी अपने भाई को पहनाइए, इससे भाई बहन के रिश्ते मजबूत होंगे। कुंभ राशि वाले, आपके भी स्वामी शनि देव हैं, आपको भी नीले रंग की राखी बांधना शुभ रहेगा। रुद्राक्ष की राखी मकर राशि और कुंभ राशि वाले पहन सकते हैं, आसमानी रंग की राखी पहन सकते हैं, ये भी उत्तम होगी। तीसरी राशि जिनके लिए अति शुभ फलदायी है वो है मीन राशि वाले, आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति ज़रूर होगी, परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। ये समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, हर कार्य में सफलता मिलेगी। अधिक मेहनत नहीं करेंगे, थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो आपको काम मिल जाएगा और कार्यों में आपको सराहना प्राप्त होगी, सभी लोग अप्रिशिएट करेंगे आप जो भी काम करेंगे। आपको चमकीले हरे रंग की सुनहरे यानी गोल्डन कलर की, ग्रीन, जामुनी, पीले रंग की राखी बांधनी चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन का महत्व आज के परिप्रेक्ष्य में इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि आज के युग में कहा जाता है कि अपने पेड़ पौधों को भी राखी बांधिए, अपनी वाहन को भी राखी बांधिए। मूल्यों के कारण सामाजिक जो सिमटती जा रही थी उसमें प्रेम और सम्मान की भावना में कमी आ रही थी, ये पर्व हमारे आत्मीय बंधन को मजबूती प्रदान करता है, साथ ही साथ हमारे भीतर सामाजिकता का भी विकास करता है। इसलिए ऐसा नहीं कि घर में भाई नहीं है बहन नहीं है तो किसी से राखी ना बांधें, जो भी आपके मुंह बोले भाई बहन हो, या पति अपनी पत्नी को राखी बांधे, पत्नी अपने पति को राखी बांधे, या फिर कोई भी जो आपको लगता है कि रक्षा है, कोई गुरु शिष्य की परंपरा निभा सकते, गुरु से राखी बंधा सकते हैं, किसी पुरोहित जी से राखी बंधा सकते, किसी से भी, किसी जाइए, किसी अनाथ आश्रम में जाइए, वहाँ जा कर के रक्षाबंधन सेलिब्रेट कीजिए, किसी पौधे को राखी बांध दीजिए। और देखिए दोस्तों, ये त्यौहार परिवार, समाज, देश और विश्व के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति हमारी जागरूकता को कैसे बढ़ाता है। रक्षाबंधन का महापर्व है, प्रेम और सौहार्द का पर्व है और इसी बहाने हम हमारे अपनों और पड़ोसियों से भी मिलने का समय निकाल लेते हैं। कम से कम त्यौहार का बहाना ही सही, पर समाज और देश में चारों तरफ सुख, शांति, समृद्धि और खुशनुमा उजाले का माहौल होता है, हमारे जीवन को सुंदर बनाता है, सफल बनाता है, प्रेम, सम्मान, लगाव, अपनापन और सहयोग की भावना जगाता है। तो दोस्तों, पुरानी बातें, अगर भाई बहन के कोई झगड़े भी हैं तो उसे भूल करके, कोई गलती हुई है तो एक दूसरे को क्षमा कीजिए दिल से और खुद को भी क्षमा कीजिए अगर आपने कोई गलती की है, और फिर मिल करके भाई और बहन इस त्यौहार को मनाइए। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत पर्व है, कर लीजिए दोस्तों ये उपाय और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर कर लें। ट्राई किया है मैंने कि पूरी जानकारी आपको दे दूं, फिर भी कुछ रह गया हो, अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लीजिए। और शुभ मुहूर्त में राखी बांधे, प्लीज़ राहु काल देख लें, राहु काल में राखी ना बांधे, भद्रा के समय राखी ना बांधे, इस बात का ध्यान रखें। और रविवार का दिन है तो कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं, सबकी छुट्टियाँ हैं, ज़रूर एकजुट होकर के, एक ग्रुप में मिल करके, सभी भाई बहन एक साथ मिल करके राखी बनाइए, इन्जॉय कीजिए। विश ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन, आप सभी की माता रानी रक्षा करे, भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बने रहे, यही मेरी इस श्रावणी पूर्णिमा पर मनोकामना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।